साल का पहला चंद्र ग्रहण खत्म, क्या होता है पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण, जिसके पीछे है रोचक जानकारी। बुध पूर्णिमा के खास अवसर पर साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगा। 130 साल बाद बुध पूर्णिमा पर लगे चंद्र ग्रहण की खासियत ये रही कि एक उपछाया चंद्र ग्रहण था। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 18 मिनट तक रही। ग्रहण की शुरुआत शुक्रवार की रात 8:45 पर हुई और 6 मई की रात 1:02 पर ग्रहण का समापन हो गया। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण रहा। उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक काल्यमान नहीं होता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण के बाद गंगा समेत पवित्र नदियों और तालाबों में स्नान करके दान पुण्य किया। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ प्रयागराज में ग्रहण नहीं लगा था, हम मुख्य रात्रि में यहाँ तो पर भी बाद में हम आते हैं रात्रि के लिए, यहाँ दान पुण्य करके चले जाते हैं। आज यहाँ पे हम लोग समुद्र में स्नान करने आए क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दर्शन नहीं था और इसी चक्कर में आए हैं, मोक्ष का स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे, उसके बाद हम कैसे बलि जी का दर्शन करते हुए अपने घर स्नान करेंगे। दरअसल चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक एक खगोलीय घटना बताते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रहण को लेकर धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी हैं। 5 मई को लगा चंद्र ग्रहण उपछाया यानी पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण था। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने बड़ी रोचक जानकारी दी है। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच होती है, लेकिन चांद सीधे पृथ्वी की सीध में नहीं होता है, पृथ्वी की छाया के बाहरी या धुंधले हिस्से से होकर गुजरता है, तो इसे पेनुम्ब्रा के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान लगने वाले चंद्र ग्रहण को पेनुम्ब्रा के नाम से जाना जाता है और इस चंद्र ग्रहण को पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के सिर्फ एक हिस्से को चांद तक जाने से रोकती है, लेकिन ऐसी स्थिति काफी कम होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब 2042 में उपछाया चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। उपछाया के अलावा आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होते हैं। जब पृथ्वी की छाया चांद के कुछ हिस्से को ढक देती है तो चांद का कुछ हिस्सा काला हो जाता है, इसके चलते चांद का एक भाग कटा हुआ दिखाई देता है, इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उस समय पृथ्वी की छाया से पूरा चांद ढक जाता है, इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने लगता है, जो बेहद खास नजारा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी तरह के चंद्र ग्रहण को आंखों से देखा जा सकता है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है। चंद्रमा के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती है। चंद्र ग्रहण को दूरबीन या टेलीस्कोप से ज्यादा साफ देखा जा सकता है। इस साल 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। 5 मई को बुध पूर्णिमा के बाद दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।